कल के पोस्ट वर्कआउट के बाद मेरा शोल्डर अभी तक सोर है, कैमरा पकड़ रहा हूँ पकड़ रहा हूँ तो लिटरली ऐसा शेक हो रहा है। एनीवेज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज है डे 22 और अभी टाइम हो रहा है 6:15। मैं 6:30 को जाने वाला हूँ एक अप हिल रनिंग के लिए। यूजुअली मैं नॉर्मल रनिंग करता हूँ तो सोचा आज अप हिल रनिंग करते हैं। कल जो फ्रेंड आप लोग को जिससे मैंने मिलाया, स्वप्निल, जिसके कॉलोनी के जिम में मैं वर्कआउट करने गया था, उसी के साथ मैं जाने वाला हूँ। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मे बी नेक्स्ट साइड, मतलब बेलापुर साइड या फिर सीवूड साइड हम लोग एंड करेंगे। वो पता नहीं, अभी उसी से पूछूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत पहले गया था अप हिल रन करने के लिए और उसके बाद मैं गया ही नहीं। और तभी मेरा ACL इंजर्ड था, अभी भी है लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, भाग सकता हूँ मैं अभी। निकल गया मैं और आज बहुत दिन के बाद मैंने अपना ये कंप्रेशन टी शर्ट पहना है। बहुत दिन के बाद मतलब सालों के बाद, लिटरली 2 साल के बाद मैंने ये अपना कंप्रेशन टी शर्ट पहना रहेगा। एनीवेज अभी स्वप्निल वेट कर रहा रहेगा, उसको पिक करते हैं। खोल अपन, ओपन तू भी फुल स्लीव्स पहन के आया? हाँ, मैं तो टैन ना हो इसलिए फुल स्लीव्स पहन के आया, सेम रीजन। एनीवेज गाइस अभी मैं रख देता हूँ कैमरा सीधा आप लोग को पार्सिकल के नीचे, पार्सिकल के नीचे से स्टार्ट करेंगे ना अपोलो हॉस्पिटल से, वहाँ पे जाके आप लोग से मिलता हूँ। पीछे मेरा जिम देख रहे हो आप लोग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी वॉक, कोई भी रनिंग एक्टिविटी कर रहे हो उससे पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके मसल्स फ्री हो जाए और आप अच्छे से रन कर पाओ। किलोमीटर्स कंप्लीटेड 22 मिनट्स में। अभी जितना हम नीचे आए उतना हमको वापस अभी ऊपर चढ़ना है। सिर्फ 3 किलोमीटर है वो, लेकिन पूरा अपहिल है, ये देखो पूरा चढ़ना है अभी वहाँ तक पूरा। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड गाइस, डेस्टिनेशन एकदम सामने है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ओ, ओ, हाँ, हाँ, नॉन इजी, उधर एंड करो। हाँ, 6 किलोमीटर का ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मजा आ गया। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा। देखो लगा तो तू पूरा कंप्लीट कर पाएगा स्टार्टिंग में, विदाउट ब्रेक तो नहीं लगा। उसको तो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो पूरा कंप्लीट करेगा, लेकिन मेरे को तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँगा, वो भी विदाउट ब्रेक। तो हमेशा यहाँ से प्रिपेयर रहो, सब कुछ कर सकते हो।
भाई एग्जॉस्टेड। हाँ अभी थोड़ा सा वॉक करेंगे बॉडी का जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। ओह जैसा था एक्सपीरियंस। तू पहले आया है ना? ये पहले आया, मैं पहले फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं पहले एकदम बहुत पहले आया था, मतलब लॉकडाउन के भी 2 साल हो गए रहेंगे मेरे को आके यहाँ पे। व्हाट अ स्टार्ट गाइस, आज के दिन की क्या शुरुआत थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर ऐसे रोज़ होगा तो दिन कितना अच्छा जाएगा सोचो। मैंने लिटरली सच्ची बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे ACL जो है, मेरे लेग्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था ACL टेयर है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को रिस्की लगता है। लेंस पे क्या लगा है, तो इसीलिए हमेशा ना यहाँ से प्लान करो, यहाँ से स्ट्रांग रहो, सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ट्रस्ट मी, एक बार करके देखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ अचीव करने के बाद खुद की तारीफ़ करो, खुद को अप्रिशिएट करो, बाकी कोई करे ना करे जाने दो, खुद से खुद की तारीफ़ करो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, मोटिवेशन मिलता है। तो अभी टेरेस पे इसीलिए आया हूँ मैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूँगा। रनिंग वगैरह कर रहे हो ना आप, तो उसके बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मसल सोरनेस, बहुत गंदी तरीके से मसल सोरनेस होता है, क्रैम्स आते हैं। तो चलो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, स्ट्रेच कर लेता हूँ। सो गाइस डन विद द स्ट्रेचिंग, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। अगर आप में से भी कोई प्लान कर रहा है रनिंग के लिए जाने सुबह, सोचो मत, जाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जितना हो सकता है उतना सुबह जाओ, मतलब 6 से 8 के बीच में, वरना उसके बाद धूप आ जाती है तो एग्जॉस्ट हो जाओगे एकदम। तो चलिए आप लोग से मैं जल्दी नीचे मिलता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ पहले। इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है आप लोगों को बता नहीं सकता। हमेशा ना वर्कआउट करने के बाद सबसे पहले हॉट वाटर शावर लेना, उसके बाद कोल्ड वाटर शावर लेना, इससे आपका मसल सोरनेस कम होगा और इन्फ्लेमेशन, जो जलन होती है बॉडी में, वो भी कम होगा। इसको कॉन्ट्रास्ट थेरेपी बोलते हैं, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मैंने अभी रिसेंटली 2-3 बार अप्लाई किया, ट्राई किया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा, मतलब इट रियली वर्क्स। तो आप लोग भी ट्राई करके देखो और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये काम कर रहा है क्या आपके साथ। चीयर्स गाइस। सुकून है, इतने अच्छे रन के बाद अगर ऐसा शेक मिल जाए, लाइफ सेट है। शेक ख़त्म, अभी इसके बाद मैं बहुत सारा पानी पीऊँगा क्योंकि बहुत सारा पसीना निकला है आज। वीडियो रख दिया एक्सपोर्ट होने के लिए, अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा। गाइस निकल गया हूँ मैं जिम के लिए और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं काम में फंस गया था, उसकी वजह से मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाया। खाना खाया उसके बाद सीधा काम करने लग गया।